अस्सलाम वालेकुम। तो ओप्पो ने लॉन्च कर दी है तो ओप्पो A17 स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में, और स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो रिवील हो चुकी है, और इसके अलावा ये स्मार्टफोन किस वेरिएंट में आता है उसको डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत दिन हो गए मैंने सब्सक्राइब का आप लोगों को कभी भी नहीं बोला है, आज रिक्वेस्ट है कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें स्मार्टफोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। स्मार्टफोन की अगर डिज़ाइन की बात की तो उन्होंने काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। रियर साइड पर डुअल रिंग में डुअल कैमरा सेटेबिलिटी फ्लैश लाइट दिया गया, और उससे नीचे एक पट्टी लगाई गई जहाँ पर आपको कैमरा की ब्रांड देखने को मिल जाती है। और इस स्मार्टफोन एक बॉक्स डिज़ाइन के साथ आते फ्लैट एजेस दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता है। 188 ग्राम स्मार्टफोन का वेट है और 8.3 mm स्मार्टफोन जो वो थिकनेस रखी गई है। स्मार्टफोन जो है यहाँ पर ब्लू कलर में रिवील हो चुका है, ब्लैक कलर में और ऑरेंज कलर में रिवील किया जा चुका है। और टू बेरियली फेयर मुझे जो ऑरेंज कलर है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वो एक लेदर फिनिशिंग डिज़ाइन के साथ है, मैट डिज़ाइनिंग के साथ आता है, तो अच्छा बना यहाँ पर स्मार्टफोन डिज़ाइन है, लुक है। और ये स्मार्टफोन एक साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ भी आता है। ओप्पो A17 स्मार्ट में दिया गया 6.56 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले जो कि एक ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ है। और ये स्मार्टफोन किसी भी तरह के हाई रिफ्रेश रेट के साथ नहीं आता। 270 PPI डेंसिटी है और 83% की स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको देखने को मिल जाती है। यकीन माने 57,000 रुपये स्मार्टफोन की प्राइस है, और इस स्मार्टफोन में कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, कोई पंच होल कैमरा नहीं है, कोई फुल रेजोल्यूशन नहीं है। ये एमोलेड डिस्प्ले तो दूर की बात है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 57,000 रुपये है, वो भी सिर्फ 4 GB RAM और 64 GB वेरिएंट की। और टू बेरियली फेयर 57,000 में तो क्या 30,000 में भी ऐसे डिस्प्ले जो जस्टिफाई नहीं करते। मैं आज स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा था कि उसमें 90Hz रिफ्रेश रेट नहीं है, लेकिन वो तो अब बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस चीप डिस्प्ले फ़ोन। ओप्पो A17 स्मार्ट में दिया गया मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर जो कि 12 nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, और पावर VR G8320 का GPU आपको देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन 4 GB RAM 64 GB वेरिएंट के साथ आता है। EEEM C5.1 का सॉर्ट टाइप है। एंड्राइड 12 के साथ आपको यहाँ पर कलर एसवेल का वर्जन देखने को मिल जाता है। देखो 57,000 रुपये स्मार्ट की प्राइस है, लेकिन अभी भी G35 दे रहे हैं। ओप्पो A17 स्मार्ट की रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है वो 50 MP का दिया गया फोन 0.8 अपर्चर के साथ, और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया, यानी फालतू का सेंसर है। जबकि फ्रंट पर आपको आजकल के टाइम पर 57,000 रुपये में सिर्फ अभी भी 5 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया। एक मजाक चल रहा है, एक जोक चल रहा है, और शर्म तो इनको बिल्कुल नहीं आती है कि 57,000 रुपये की प्राइस में आपको ऐसे घटिया स्पेक्स देते हो, या फिर इतनी ज़्यादा घटिया स्पेक्स के स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा और प्राइस लॉन्च करते हो। मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इसको किस एंगल से हम एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर 5 MP का सेल्फी कैमरा क्या क्वालिटी होगी, क्या रेजोल्यूशन होगी। बाकी स्मार्टफोन फुल HD+ पे रिकॉर्डिंग कर सकते फ्रंट कैमरा से भी, रियर कैमरा से भी, और 30 FPS पे, तो कैमराज भी इतने ज़्यादा शाइनिशान नहीं है। मेन कैमरा गुजारे का हो सकता है, लेकिन G35 क्या यहाँ पर इसको प्रोसेस करेगा और क्या क्वालिटी आएगी, क्या ऑप्टिमाइजेशन होगी, वो अल्लाह जानता है और सिर्फ ओप्पो वाले जानते हैं, मुझे तो जानना भी नहीं है। ओप्पो A17 स्मार्ट में 5 mAh की बैटरी है, यहाँ पर कोई भी फास्ट चार्ज नहीं है, टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mAh जैक है और सिंगल स्पीकर है। एक बार फिर से मजाक हो रहा है, कोई भी फास्ट चार्ज नहीं है और 57,000 रुपये का स्मार्टफोन है। एटलीस्ट 18 वाट तो दे देते अगर 30 वाट या बाकी नहीं देते, थोड़ा लॉजिक होना चाहिए ताकि ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर सकें। ओवरऑल देखूँ तो कचरा स्मार्टफोन है, और कचरा बिल्कुल भी इतने महंगे प्राइस में ख़रीदते नहीं है। लिहाजा आप किसी और स्मार्टफोन की तरफ रजू कीजिएगा, यू स्मार्टफोन बाई करिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं और वैल्यू फॉर मनी होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा अपने पैसों समेत। अल्लाह हाफिज़।